हमारा आज का टॉपिक है कि एनालॉग क्लॉक एंड डिजिटल क्लॉक कैसे काम करते हैं डिजिटल hey इलेक्ट्रॉनिक्स तो सबसे पहले देखते हैं कि एनालॉग क्लॉक एंड डिजिटल क्लॉक में क्या डिफरेंस होता है तो ये दोस्तों हमारा एक एनालॉग क्लॉक है इसमें ये आवर हैंड है इसमें ये मिनट हैंड है एंड ये हमारा सेकंड सेंड तो इसमें हमारे पास एक आवर्स होते हैं एक मिनट्स होते हैं और एक सेकंड्स होते हैं तो दूसरी तरफ हमारे पास एक डिजिटल क्लॉक है तो ये हमारे पास एक डिजिटल क्लॉक है तो सेम यहीं पर हमारे पास एक अवर्स होते हैं और एक मिनट्स होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि हमारे पास कोई भी सेकंड वाला पॉइंट नहीं है और यहां पर हमारे पास सेकंड्स होते हैं इन एनालॉग क्लॉक वी कैन वेरी इन एनी टाइम इवन सेकंड इन क्लॉक But in the digital clock we can vary only hours zone minutes. But we don't have any section for seconds here. Let's assume I mean the analog clock is 12 o'clock 10 minutes and 24 seconds. Here we have a section called seconds. But in the digital clock we have only hour and minutes means the time is 5 and 15. That means we are not allowed in between the 15 or 16. In the in digital clock, either we have 11, 12, 13, 14, 15, and so on. Note 15 minutes and 11 seconds. Intermediate level is not allowed in the digital clock. On the other side, we can vary in any section of the clock. So, this is the difference between the analog clock and the digital clock. ज लेट अल एग्जाम्पल तो ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें हमने एक मंथ के टेम्परेचर को मेजर किया है तो इसमें टी हमारे पास है टेम्परेचर एंड मंथ महीना है हमारा मंथ की स्टार्टिंग एंड मंथ मैक्स है हमारे पास मंथ की एंडिंग तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ़ द मंथ तो हमारे पास है ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस एज वी कैन गो फर्दर तो हमारे पास सिक्सटीन ऑफ द मंथ थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस होता है ड्यू टू सम रीज़न ऑफ अ रेन तो हमारा टेम्परेचर गिर जाता है तो मंथ के एंड में एट दर्टी फर्स्ट ऑफ द मंथ हमारे पास ट्वेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो ये हमारा एक एनालॉगस ग्राफ है क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू पॉसिबल है तो ये लेक्चर हमारा एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल को समझने के लिए था एनालॉग सिग्नल एक कॉन्टिन्यूस सिग्नल होता है और डिजिटल सिग्नल में या तो वो एक्टिव होता है या डीएक्टिव होता है सो दैट्स इट फॉर टूडेज गाइड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी वट आर दी एनालॉग सिग्नल्स